देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया होटल रेस्टोरेंट्स में बनने वाला चीज़ी फोंड्यू, पाव भाजी फोंड्यू कितना बढ़िया बना है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया, बनाना शुरू करते हैं। फोंड्यू बनाने के लिए मैं एक आलू को उबाल लूँगी। इस तरह से मैंने काट के उबाल लिया, जल्दी उबल जाएगा। और अगर आपके पास उबले आलू हैं तो कोई बात ही नहीं, उन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। फोंड्यू बनाने के लिए ये मैंने लिया एक अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ये मैंने एक शिमला मिर्च काटी है, इसमें से मैं थोड़ी सी, दो टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैं इसको पीस लूँ। ये रखा पैन, इस पर रखी मैंने लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तेल थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि इसमें बटर का और चीज़ का इस्तेमाल होता है। और इसमें डाल दूंगी प्याज, हल्का सा भून लेते हैं। ये प्याज हल्का सा ट्रांसलूशन हो गया, इसमें अब मैं डाल दूंगी ये हमने शिमला मिर्च जो बचा के रखी थी, ये डाल दूंगी और इनको भी भून लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है आप वो डाल रहे हैं तो इसके साथ ही फ्रेश मटर डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास फ्रेश मटर नहीं है, मैं फ्रोज़न डालूंगी तो मेरे को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बाद में डालूंगी। इसको हल्का सा सौते होने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं पाव भाजी फोंड्यू। उसके लिए ये मैंने प्याज शिमला मिर्च को सौते कर लिया, और अब ये मटर इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। ये हल्के से सौते हो गई, अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा करके इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। फिर से मैंने वही कढ़ाई रख ली और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल, और इसमें डाल दूंगी ये जो हमने शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर पीस के रखे थे, ये डाल दूंगी। इसको भून लेंगे, टमाटर को भूनने देते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। ये बात तो ज़रूर है कि इसमें हम खट्टी चीज़ें पकाते हैं तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इससे स्मोकी फ्लेवर आता है जो बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें हम ज़्यादा देर सब्जी को छोड़ भी नहीं सकते, बनाते ही हमें तुरंत निकालनी होती है, तो बातों का ध्यान रखते हुए लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं। इसे भून लेते हैं, और जैसे कि सभी जानते हैं कि टमाटर को जल्दी भूनना हो तो उसमें हम डाल देते हैं नमक। तो ये नमक मैंने थोड़ा सा, जो हमने शिमला मिर्च, प्याज और मटर भूनी थी उसमें भी डाला था, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाला। साथ में कुछ बेसिक मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च हमने और हरी मिर्च डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च इसमें नहीं डालूंगी, और इन्हें भून लेते हैं। मसाले भी साथ में भून जाएंगे, साथ ही इसमें डालूंगी भुना जीरा पाउडर। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से भून गए, और तेल भी छोड़ दिया जबकि हमने बहुत थोड़ा सा तेल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। अब मैं इसमें ये हमने जो प्याज, शिमला मिर्च और मटर को भूना था ये भी डाल दूंगी। देखिए मैंने दरदरा सा ही पीसा है। आपके पाव भाजी बनती है और पाव भाजी बच जाती है तो आप उससे भी फोंड्यू बना सकते हैं, और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वायरल रेसिपी आजकल बहुत चल रही है, तो हमने सोचा चलो हम भी बना लेते हैं। अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा मसालों के साथ, और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। और जो हमने ये आलू उबाला था ये भी डाल दूंगी, इसके साथ ही मैश करके भून लेंगे। इसमें ज़्यादा आलू डाला नहीं जाता है, मैंने एक आलू किया था उसका भी मैंने आधा डाला है। इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मैश कर लेंगे और भून लेंगे। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भून गई, और अब इसमें मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी मिला दूंगी। मैंने बहुत थोड़ा डाला है, आपको जैसा टेस्ट हो उस हिसाब से डालिए, और नहीं भी डालेंगे तो फोंड्यू में कोई ज़रूरत नहीं है आपको पाव भाजी मसाला डालने की। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी गर्म ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसको पका लें, ज़रूरत के अनुसार पानी डालें जिससे कि अच्छा सा उबाल आ जाए सब्जी में, और हमारी सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो जाए। इसे पकने देते हैं। ये देखिए हमारी फोंड्यू अच्छे से पक गया, अब हम इसको आगे का काम कर लेते हैं।
जिससे ये फोंदू तैयार होगा। अभी तो एक तरह से हमने पाव भाजी बनाई है, अब हम इसका फोंदू तैयार करेंगे। फोंदू में डाला जाता है चीज़, ये देखिए पाव भाजी, पाव फोंदू, हमारा पाव भाजी फोंदू बोलते हैं जिसको, वो हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे चीज़, ये चीज़ स्लाइस आती हैं और जो क्यूब्स आती हैं वो है, ये मोजरेला चीज़ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसको डाल देंगे और चीज़ डाल के हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह के क्यूब नहीं है तो आप इसमें स्लाइस भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने चीज़ कद्दूकस कर दिया और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा इस समय, क्योंकि हमें पकाना नहीं होता, चीज़ डाल इसी की मेल्ट गर्मी से मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो घर की मलाई तो है ही, वरना दूध से काम चला सकते हैं। ये डाल दिया बस और हमारा फोंड्यू तैयार, इसी की गर्मी से ये पिघल जाएगा, हमें पकाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और हरे धनिए से गार्निश करें, आपका फोंड्यू तैयार है खाने के लिए। इसको सर्व कर लेते हैं। चलिए अब अपने पाव तैयार कर लेते हैं। पीसीस छोटे बड़े जैसे पसंद हो उस हिसाब से काट लीजिए। ये डाला मैंने बटर और इसमें इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक टॉस कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पाव भाजी मसाला, ये हमारे अच्छे से टॉस हो गए, आप देख सकते हैं एकदम से क्रिस्पी हो गए। थोड़ा सा हरा धनिया और अब अपने फोंदू को सर्व कर लेते हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, वैसे तो मुझे तो लगता है बहुत पसंद आएगी, आजकल चल भी बहुत रही है, रेस्टोरेंट्स होटल्स में बहुत मिलती है। मेरे पास फोंदू सर्व करने वाला नहीं था तो मैंने ये जुगाड़ बनाया, मेरे पास ये था और मैंने इसमें और ये रखा इसके ऊपर अपना फोंदू और एक स्क्रूअर में बटर्स में डूबे हुए। आप किसी स्टैंड को रख के बना सकते हैं, प्लेट में स्टैंड को रख लें उस पर बनाएं। और हमारा फोंदू खाने को तैयार, चलिए खाइए बताइए कैसा बना। जुगाड़ मेरी तरह आप भी कर सकते हैं, बस ज़रूरी नहीं है कि हमें होटल जैसी सर्विंग ही चाहिए, हम जुगाड़ कर सकते हैं, तो मैंने वही जुगाड़ करा। चलिए खाइए बताइए कैसा बना। थैंक यू।